बाराबंकी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। बाराबंकी जिले की भूमि अपने गौरवशाली अतीत के साथ साथ एक प्रसिद्ध विरासत भी है। यह जिला कई सारे सूफी संतों और साधु महात्माओं की कर्मस्थली रहा है। पूरी दुनिया को एक छतरी के नीचे लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विख्यात महान सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह शरीफ भी बाराबंकी जिले में मौजूद है। इसके अलावा महाभारत युग के चेतन के प्रतीक परिजात ब्रिज जो है वो बाराबंकी जिले में मौजूद है। स्वतंत्रता की लड़ाई में बाराबंकी जिला के अनेक लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, जिनकी वीरता की गाथा जो है आज भी बाराबंकी जिला के लोग गाते हैं। दोस्तों, बाराबंकी जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ जो है अपनी सीमाएं साझा करती है, जिसमें रायबरेली जिला, फैजाबाद जिला, गोंडा जिला, बहराइच जिला, लखनऊ जिला, सीतापुर जिला और सुल्तानपुर जिला। लगभग 3891 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले बाराबंकी जिला की जो कुल आबादी है वो 32,60,000 है। इस 32,60,000 में पुरुषों की जो कुल आबादी है वो 17,07,000 तथा महिलाओं की जो कुल आबादी है वो 15,53,000 है। दोस्तों, बाराबंकी जिला की जो मुख्य भाषा है वो अवधी तथा हिंदी है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा बहुत अन्य भाषाओं का जो प्रचलन है वो विख्यात है। जाति धर्म के आधार पर बाराबंकी जिला में 76% हिंदू तथा 22% जो है मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। अगर यातायात की बात करें तो बाराबंकी जिला जो है वो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से जो है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, सड़क मार्ग। दोस्तों, बाराबंकी जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 27 जो कि फैजाबाद को लखनऊ से जोड़ती है और नेशनल हाईवे संख्या 731 जो कि अमेठी को लखनऊ से जोड़ती है, ये दोनों नेशनल हाईवे संख्या जो है वो बाराबंकी जिला के माध्यम से होकर गुजरती है। इसके अलावा बाराबंकी बस स्टैंड के माध्यम से जो है वो लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, दिल्ली आदि बड़े शहरों की ओर जो है वो नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर दो, रेल मार्ग। दोस्तों, बाराबंकी जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बाराबंकी रेलवे जंक्शन है। इस जंक्शन में 4 प्लेटफॉर्म तथा 10 ट्रैक मौजूद है। इस रेलवे स्टेशन की स्थापना 1872 में हुई थी। 1872 को बुरवाल बाराबंकी सेक्शन के खोलने के साथ स्टेशन चालू हुआ था। इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से रोजाना ऐशबाग इंटरसिटी एक्सप्रेस, बरौनी ग्वालियर मेल, लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अमरपाली एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस जैसी तमाम ट्रेनें जो है वो इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से होकर गुजरती है, जिसके माध्यम से लोग जो हैं वो भारत के विभिन्न शहरों में जा सकते हैं। नंबर तीन, हवाई मार्ग। दोस्तों, वैसे तो बाराबंकी जिला में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, परंतु लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ का सबसे निकट में स्थित हवाई अड्डा है। बाराबंकी से लखनऊ एयरपोर्ट की जो दूरी है वो महज 45 किलोमीटर है। बाराबंकी जिला के मुख्य नदी का नाम घाघरा नदी व गोमती नदी है। दोस्तों, घाघरा नदी बाराबंकी को गोंडा बहराई से अलग करती है तथा गोमती नदी बाराबंकी को लखनऊ से अलग करती है। इन दोनों नदियों के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 27 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से लगभग 580 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, बाराबंकी शहर जो है वो अपने खूबसूरत जगहों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। जिले में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर लोग घूमकर आनंद उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा खास घूमने का स्थान है जो कि इस बाराबंकी जिला में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर एक, परिजात ब्रिज। दोस्तों, पांडवों की मां कुंती के नाम पर रखा गया किंदूर गांव जिला मुख्यालय बाराबंकी से लगभग 38 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। इस जगह के आसपास प्राचीन मंदिर व उनके अवशेष हैं। यहां पर कुंती द्वारा स्थापित मंदिर के पास एक विशेष पेड़ है जिसे परिजात ब्रिज कहा जाता है। इस पेड़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन इस पेड़ को स्वर्ग से लेकर यहाँ पर आए थे और कुंती इस पेड़ के फूलों से शिव जी के अवशेष किया करती थी।
अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन एक बात तो साफ है, पारिजात ब्रिज जो है वो बाराबंकी के खूबसूरत प्राचीन स्थलों में से एक है। नंबर दो, देवा शरीफ। दोस्तों देवा शरीफ दरगाह लखनऊ से मात्र 42 किलोमीटर दूर स्थित है और पुराने अवध क्षेत्र के हृदय में स्थित बाराबंकी जिला मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देवा शरीफ हाजी वारिस अली शाह की दरगाह शरीफ है। हाजी वारिस अली शाह 18वीं शताब्दी के हुसैनी सैयदों के परिवार में जन्मे थे। देवा शरीफ दरगाह पर हर वर्ष कार्तिक के माह यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में विशाल उर्स लगता है, जहां पर भारत के विभिन्न शहरों से लोग जो है वो इस दरगाह शरीफ पर पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से अपनी मुराद लेकर इस दरगाह शरीफ पर आता है उसकी जो मुराद है वो जरूर पूरी होती है। यह स्थान हिंदू धर्म व मुस्लिम धर्म दोनों समुदायों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। यह बाराबंकी रेलवे स्टेशन से महज 12 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। दोस्तों अगर आप बाराबंकी आ रहे हैं तो देवा शरीफ जाना ना भूलिएगा। नंबर तीन, महादेवा। बम 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 बोल की गूंज के साथ कंधों पर कांवर लिए अनेक समूहों में जाने वाले भक्तों की टोलिया भगवान शिव के लोकेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर भक्तों का इच्छा प्राचीन काल में पूरी होती थी। शिवरात्रि के दिन जो है वो शिव भक्त काफी भारी मात्रा में इस मंदिर में शिवालय में पूजा करने के लिए जाते हैं। यह मंदिर बाराबंकी के रामनगर तहसील में महादेवा गांव घारा नदी के तट पर स्थित है और बुढ़वल रेलवे स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर चार, किदवई स्मारक मशौली। महान स्वतंत्रता सेनानी रफी अहमद किदवई, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक राजनेता भी थे, उनका जन्म इसी मशौली में हुआ था। उनके मृत्यु के बाद उन्हें दफनाकर एक मकबरा बनाया गया था जिसे किदवई स्मारक कहा जाता है। नंबर पाँच, कोटवा धाम मंदिर। दोस्तों यह सनातनी संप्रदाय के संस्थापक बाबा जगजीवन दास का मंदिर है जिसे कोटवा धाम के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर और अप्रैल के महीने में यहाँ पर जो है वो मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर के समीप एक तालाब है। मेले के दिन जो श्रद्धालु है वो इस तालाब में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों इसके अलावा बाराबंकी जिला में और भी कई सारे खूबसूरत स्थान है जिसकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाराबंकी जिला जो है वो 6 तहसीलों में बटा हुआ है। नवाबगंज, फतेहपुर, रामशनेही घाट, हैदरगढ़, रामनगर और सिरौली गोसपुर। इसके अलावा एक नगर पालिका परिषद, 23 पुलिस स्टेशन, 3 मुख्य सरकारी अस्पताल और 1845 गांव जो है वो इस बाराबंकी जिला में मौजूद है। दोस्तों अगर वहीं व्यवसाय की बात करें तो बाराबंकी जिला का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि पर आधारित है। धान, गेहूं, गन्ना, मक्का इस जिले की जो है वो मुख्य फसलें हैं। परंतु जिले में कोई बड़ा उद्योग ना होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो रोजगार पाने के लिए पलायन करने पर मजबूर हैं। ओके दोस्तों, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।